ग्रीन सेल मोबिलिटी की ओर से भारत के अग्रणी इलेक्ट्रिक बस ब्रांड न्यूको ने ऐतिहासिक कश्मीर से कन्याकुमारी EK2K इलेक्ट्रिक बस अभियान की शुरुआत की है, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाई है। यह महाकाव्य यात्रा भारत में संधारणीय जन गतिशीलता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण छलांग है। इस अभियान के साथ न्यूको इस तरह की रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला EV बस ब्रांड बनने के लिए तैयार है। न्यूको का लक्ष्य समुद्र तल से 3,500 फीट ऊपर से समुद्र तट तक 4,000 प्लस किलोमीटर की दूरी तय करना है। बस 200 से ज्यादा शहरों और कस्बों से गुजरेगी। ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बनेगी, साथ ही स्थिरता का संदेश भी फैलाएगी। EK2K बस अपनी पूरी यात्रा में विभिन्न सार्थक गतिविधियों में भाग लेकर सकारात्मक प्रभाव डालेगी, जैसे कि छात्र कार्यशालाएं, वृक्षारोपण अभियान, सफाई पहल, सुरक्षा थीम वाले नुक्कड़ नाटक और रास्ते में कई और प्रभावशाली कार्यक्रम, जो वास्तव में ई बस जो अच्छा करती है इसकी भावना को मूर्त रूप देते हैं। न्यूगो के EK2K इलेक्ट्रिक बस के पश्चिमी चरण को भारत सरकार के माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर से हरी झंडी दिखाई है। इट इज अ रियली ग्रेट प्लेजर फॉर मी दैट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी नाउ यू कैन ट्रैवल विद इलेक्ट्रिक बस। इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव व्हिच विल इनकरेज द पीपल टू हैव मोर ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। Once again, my best wishes to you. Thank you, sir. Thank you very much. Namaskar. Thank you, sir. कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।